उपड़ा वक्त ताल ठोके का है। नेता सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का फायदा देखते हैं, और इस फायदे के लिए अगर उन्हें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी नुकसान पहुंचाना हो तो वो नहीं चूकते हैं। ये बात यूपी और बिहार उपचुनाव में फिर से साबित हो गई है। विपक्ष ने मतदान के दिन ही ईवीएम पर सवाल उठा दिए, इसलिए शाम 5 बजे पूछेंगे कि मतदान खत्म होते ही क्या विपक्ष ने हार के बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं क्या। शाम 6 बजे पूछेंगे कि देश में अन्नदाता के आक्रोश का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये भी बड़ा सवाल है। शाम 6 बजे इस पर बहस होगी। लेकिन इस वक्त सवाल ये कि यूपी में मतदान के दिन ही विपक्ष को ईवीएम का बहाना क्यों याद आ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आज ही ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका क्या इसलिए जताई है ताकि जीत हो या हार, दोनों सूरत में विपक्ष के लिए बहाने तैयार रहे। जीतने पर विपक्ष कह सके कि जीत गठबंधन की जीत है, और हारने की सूरत में लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था पर ठीकरा फोड़ा जा सके। जबकि यूपी और बिहार में हो रहे उपचुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल वीवीपैट मशीन से वोट डालने के बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें आपको यह पता लग पाता है कि जिसको आप वोट डालना चाहते थे उसको वोट गया है या नहीं गया है। इन वीवीपैट्स का इस्तेमाल इन उपचुनावों में किया गया है, यानी कि मतदान इतना स्वच्छ और पारदर्शी हो, जहां यह आशंका कई बार खारिज की जा चुकी हो कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, तो फिर विपक्ष क्यों ईवीएम को अपनी सियासत का हथियार बना रहा है। इसलिए ताल ठोक के आज हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि निजी स्वार्थ के लिए सियासी पार्टियां क्या लोकतंत्र पर चोट कर रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है, बेहद अहम सवाल है। क्या ईवीएम बहाना है? दरअसल विपक्ष का मकसद गठबंधन की इज्जत बचाना है क्या? 2019 के लिए विपक्ष हार के लिए तैयार है, इसलिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है क्या? और ईवीएम पर विपक्ष का हमला क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? चर्चा की शुरुआत उससे पहले रिपोर्ट हो गया। जीत ऐतिहासिक होगी। सपा बसपा के अपवित्र सौदेबाजी की राजनीति को मुंहतोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी दोनों उपचुनाव को प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मशीन में गुस्सा नहीं निकलता, जो बैलेट होता है उसमें गुस्सा निकलता है कम से कम। ये मशीन में गुस्सा नहीं निकल पा रहा है, बस हमारे इतनी शिकायत है लशी कमी। देखा, सब जगह में तो चुनाव होता है, जनता के आशंका है। जहां जहां मैं चुनाव प्रचार में गया, एक एक आदमी का सब बात किया, बोले वोट तो आपका पक्ष में है, मशीन ठीक से काम करेगा। देखिए, इसलिए तो हम लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव हो, हर चुनाव बैलेट पेपर से हो, उपचुनाव हो और 2019 में चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। देखिए, बहाना नहीं है, ईवीएम शक और शुबे के दायरे में है। बिल्कुल ईवीएम को बदलना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र के अंदर अगर विपक्ष कोई सवालिया निशान उठाता है, सरकार की और इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि उसको कॉन्फिडेंस मिले। नहीं, एनडीए की अभी दोनों जगह बढ़त है, यहाँ श्री योगी जी और वहाँ श्री नीतीश कुमार जी, दोनों ऐसे प्रभावी नेता हैं जो जनता के, मतदाता के बड़े हिस्से को अफेक्ट करते हैं। फिलहाल दोनों राज्यों में उपचुनाव को लेकर के हम चिंतित नहीं हैं, हम सभी सीटों को जीतेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ है, सीपी सिंह मेरे साथ हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर है, पत्रकारिता में 21 सालों का अनुभव है। सीपी सिंह साहब, स्वागत है आपका। अजय आलोक जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, बिहार की राजनीति में सक्रिय है। अजय आलोक जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ अमन सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही मेरे साथ देवशीष जरड़िया जुड़ चुके हैं जो कि बीएसपी के नेता हैं, मीडिया में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। देवशीष, स्वागत आपका। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी प्रवक्ता, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव भी हैं। तिवारी जी, स्वागत आपका। अनिल यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देवशीष, आप ही के पास मैं आऊंगा क्योंकि सबसे अनोखा गठबंधन आप ही की पार्टी की तरफ से किया गया। कम से कम 14 तारीख तक का इंतजार नहीं करना चाहिए था, पहले ही साइकिल पंचर हो रही है, ऐसा हार मान लिया क्या आप लोगों ने? आप लोग हार के बहाने ढूंढने लग गए, नतीजे तो आने दीजिए। देखिए, ईवीएम
चुनाव हो चुनाव नहीं हो, ईवीएम एक देश में मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है देश में, और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ईवीएम एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और इसको अब से नहीं, इसको पिछले साल 11 मार्च से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है, लगातार चुनाव दर चुनाव इस पर बात होती आ रही है। और देखिए, चुनाव एक निष्पक्ष प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का कार्य क्या है, चुनाव आयोग का कार्य यह है कि जो भी निष्पक्ष प्रक्रिया है उसमें जनता का विश्वास और पॉलिटिकल पार्टीज का विश्वास उसमें बनाए रखे। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज और जनता ये कह रही है, एक बड़ा चंक आज जनता का मानता है कि वो ईवीएम पे विश्वास नहीं कर सकती, और ऐसा हमने कई इलेक्शन में देखा है कि जनता ईवीएम से जनता का मोह भंग होता जा रहा है। दूसरी बात, आपने कही कि पर्चियां निकल रही है, देखिए जब तक पर्चियों की काउंटिंग नहीं कराई जाती तब तक पर्चियों की काउंटिंग व्यर्थ है। इसलिए हम तो साफ साफ इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि आप 25% पर्चियों की काउंटिंग करा दीजिए एट रैंडम, किन्हीं 25% जगहों की काउंटिंग करा दीजिए, हम इस पर मान लेंगे इस बात को। लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। अभी देख रहे हैं कि कितने इलेक्शन कितने क्लोज फाइट में जा रहे हैं, वहां पर निश्चित ही संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है देवाशीष, ये संदेह तभी होता है जब आप लोग हारते हैं, या देखिए ये हारने की तैयारी है ना। आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जब आप ही की विचारधारा के लोग जीतते हैं तब आपको याद नहीं आता ईवीएम। राजस्थान में भी उपचुनाव में जीते थे, मध्य प्रदेश में उपचुनाव में जीते थे, तब एक मिनट सर पूरा समय दिया आपको, मुझे भी बोलने दीजिए ना, तब आपको ईवीएम की याद नहीं आई। जीते तो गठबंधन और हारे तो ईवीएम जिम्मेदार। बिल्कुल, ये हिपोक्रेसी है, बिल्कुल नहीं है हिपोक्रेसी। मृत्युंजय तिवारी, ठीक है सर, मृत्युंजय तिवारी हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या आप लोग? क्योंकि कोई बच्चा जो है वो फेल होने के डर से ही कहता है कि पेपर मुश्किल था या फिर पेपर फिक्स था। हार दिखती है तभी हार के बहाने ढूंढे जाते हैं। आपके सहयोगी तो पुनर्मतदान की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के। देखिए, लोकतंत्र में अगर किसी भी मुद्दे पर या किसी चीज को लेकर के ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं तो इसको लेकर के गंभीरता से सत्ता पक्ष को इसका निराकरण ढूंढना चाहिए। आप देखे होंगे कि जो जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी हार रही है, लेकिन मुख्य चुनाव में वो जीत दर्ज कर रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इस सवालों को लेकर के जो विपक्ष ने इस बात को लेकर के सवाल खड़े किए हैं तो इस पर गंभीरता से इसको सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसा कि हमारे मित्र भी बता रहे हैं, आपने देखा होगा अगर सत्ता पाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है, एन केन प्रकारेन, चाहे वो बिहार की घटना हो, चाहे आज देखिए छोटे से राज्य त्रिपुरा में इन्होंने 100 करोड़ रुपए बहा दिए चुनाव जीतने के लिए, और जहां भी इन्होंने किया है वो सिर्फ सत्ता हासिल करना इनका उद्देश्य रह गया है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी साहब, यही दिक्कत है, आप लोग ईवीएम को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। मेरी नजर में आप जैसे नेता लोकतंत्र के लिए खतरा है, जो हारने पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। 2014 से पहले सारे ईवीएम ठीक थे क्या? उस दौरान को ईवीएम में गड़बड़ी नहीं आई? आप लोगों ने वीवीपैट की मांग की, वीवीपैट दे दिया गया, हमने मांग आप हमने लोग अब, अब, अब हार सामने दिख रही है, कोई हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या? आप लोग हार के बहाने ढूंढ रहे हैं क्या? अमन सिन्हा, ये आरोप आप लोग पर लग रहा है। अभी जो मृत्युंजय तिवारी को भी आप सुन रहे थे, उपचुनाव में जो है आप विपक्ष को जिता देते हैं और बड़े चुनावों में खुद जीत जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं आप ईवीएम्स के साथ। देखिए अमन जी, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम सभी लोगों को इस पे गर्व गौरव है। और आपने बहुत सही बात कही कि देश के लिए ईवीएम खतरा नहीं है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज और नेता जो कि देश के प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं वो देश के लिए खतरा है। और ईवीएम पे मुझे लगता है कि इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिसेस जारी करके हर एक पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट करके, जिनके नुमाइंदे यहां पे भाषण भी दे रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, उनको भी इनवाइट करके बोला कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करिए और प्रूव करिए कि कहां पे कौन सी कमी है, और कोई टर्न अप नहीं हुआ। सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए उसके खिलाफ। बस ये चुनाव में हारने के कारण बनाने के लिए, वो एक ग्राउंड मैन्युफैक्चर करने के लिए, जब इनको दिखता है कि हार हमारे सामने है तो पहले ये कहने लगते हैं। और अब जनता इसको भली भांति जान रही है, और इसलिए हर चुनाव में आप देखते हैं अमन जी कि जो इस तरह की पार्टियां हैं जो कि हमारे
ठीक है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं ना सर अमन सिन्हा जी, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ये सवाल उठ रहे हैं। ठीक है देवर्षि जी, एक मिनट, एक राउंड पूरा होने दीजिए, एक एक मिनट का बजा राउंड, उसके बाद आप खुलकर बोलिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। डॉक्टर अजय आलोक, आप तो आरजेडी के साथ रहे हैं महागठबंधन में, उस दौरान भी ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, मुझे याद है उस वक्त आप गठबंधन का हिस्सा थे, अब आप गठबंधन से बाहर है, अब ईवीएम ठीक है? देखिए जब 2015 के चुनाव हुए थे हम आरजेडी के साथ थे, आरजेडी भी हमारे साथ थी, कांग्रेस भी हमारे साथ थी, और 15 में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। लेकिन ईवीएम पे तो उस वक्त सवाल नहीं उठे। पंजाब का चुनाव कांग्रेस जीत गई, उस वक्त ईवीएम पे सवाल नहीं उठे। अभी इन्होंने कहा कि उपचुनाव में जितवा देते हैं तो ठीक है, ये तो उपचुनाव ही ना चल रहा है, तो फिर आज क्यों सवाल उठा रहे हैं? बात दरअसल ये है कि हार का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब कुछ नहीं मिला तो ईवीएम, ये लोग तो इतने अंध हो गए हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की तारीफ करता है तो कहते हैं गलत है, प्रायोजित है। मूडीज भारत की तारीफ करता है तो कहते हैं गलत है, प्रायोजित है। ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को जब नहीं लगा रहे तो ये ईवीएम को कहां से लगाएंगे? और आज मैं बिहार में बता दूं, बिहार में तो ईवीएम मशीन खराब भी नहीं हुई थी, वीवीपैट मशीन खराब हुई है, जिसके कारण मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 20 जगह पे फिर से दोबारा मतदान करवाएंगे। समस्या कहां है? समस्या तो ये है साहब कि आप जनाधार खोते जा रहे हैं और आपकी बौखलाहट बस वही हो रही है कि खिसक गए। ठीक है, ठीक है सर। अनिल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी मुझे बताया जा रहा है कि अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब, किरण में नंदा, पंखुड़ी पाठक, ये तमाम समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अखिलेश यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में दिक्कत है या आप लोगों में दिक्कत है? देखिए कहा जाता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जो अगर आप आपकी कोई यूनिट अगर वहां गोरखपुर में हो तो आप जाकर इस बात का पता लगाइए कि कई बूथ ऐसे हैं जहां पर मशीन में गड़बड़ी मिली, तो इस बात को आप नकार नहीं सकते। अगर कहीं गड़बड़ी मिलेगी तो हम उसको कहेंगे, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक तो आप मारेंगे फिर रोने भी नहीं देंगे। मतलब अगर गड़बड़ी हो रही है मशीन में और हम कोई आवाज उठाते हैं तो उस पर ऊपर से हम ही गुनहगार हैं। और रही बात, देखिए रही बात चुनाव की, तो चुनाव निश्चित तौर पर गोरखपुर का हम लोग बढ़िया मार्जिन से जीत रहे हैं और इसके कारण है, खुद आदित्यनाथ जी इस बात को जानते हैं कि जो कि गोरखपुर के कई बार सांसद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले अपने जो 20 साल का कार्यकाल रहा कोई ऐसा काम नहीं किया। ये वही गोरखपुर है जहां पर सैकड़ों बच्चे मारे गए थे और मंत्री, इनके प्रदेश के मंत्री का बयान आया कि अगस्त का महीना, भाई इसमें तो ऐसी घटना होती है। बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बच्चों को क्या सरकार के ऊपर पैदा किया हुआ है। वही अखिलेश जी का आप 5 साल का कार्यकाल देखिए तो तमाम तरह के उन्होंने काम किया है, 500 का अस्पताल बनाया, 100 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर बनाया। अनिल यादव साहब, एक मिनट का ही समय था, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा, सीपी सिंह साहब मेरे साथ बाकी हैं, उसके बाद ओपन होगी डिबेट। लेकिन यादव साहब एक चीज है ना, गड़बड़ी होना, खराबी होना अलग बात है, टेम्परिंग होना अलग बात है, ये तो आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। क्या टेम्परिंग हुई है? क्या कोई सबूत है कि किसी को वोट डाला जा रहा है, किसी और को जा रहा है? गड़बड़ी होना अलग है, टेक्निकल फॉल्ट होना अलग है। 2014 से पहले भी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा देना कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल, ईवीएम में गड़बड़ी है, फिर आप चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए ना, जब चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। सीपी सिंह साहब, ये हार के बहाने ढूंढे जा रहे हैं क्या अभी से? अभी तो नतीजा नहीं आया, नतीजा तो 14 तारीख को आएगा, अभी से कहा जा रहा है कि ईवीएम में दिक्कत लग रही है। देखिए मुझे तो साफ लग रहा है कि अब तक जो ये लोग राजनीति करते रहे हैं ना, वो मोर ऑर लेस जनाधार की राजनीति थी। अब टेक्नोलॉजी के आ जाने की वजह से जनाधार में जनाकांक्षाएं जुड़ गई हैं। हमारा जो विपक्ष है जनाधार और वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जनाकांक्षाओं को भूल गया। दूसरी तरफ जो आज सत्ताधारी पार्टी है उसने जनाकांक्षा की राजनीति करके उसको जनाधार से जोड़ दिया और इसीलिए उसको सफलता मिली। ये लोग आज ईवीएम को दोषी दे रहे हैं, संभव है नतीजे आने के बाद कहें कि जनता को दिग्भ्रमित कर दिया गया है, मतलब जनता को ही गोली मार दो क्योंकि जनता प्रतिक्रियावादी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं ये दृष्टि का भ्रम है और सत्य को नहीं स्वीकार करने की वजह से एक पे एक बहाने बनाए जाते हैं। जब जो भी कोई झूठ बोलता है उसको बहुत बार बोलना पड़ता है, अनेकों बार बोलना पड़ता है। ठीक है, मेरी समझ तो यही है। ठीक है, ठीक है यादव साहब, सबसे पहले आप ही से अनिल यादव साहब, क्योंकि आप आखिर में जुड़े। अनिल यादव साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, खराबी होना, गड़बड़ी होना और टेम्परिंग होना, इन दोनों में फर्क समझते हैं आप? क्या टेम्परिंग हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए।
एक मुझे एक बात बताइए, देखिए हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि टेम्परिंग हुई, और मेरी बात सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी होती है और उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, तो उसमें आपत्ति क्या है? आप बताइए ना यादव साहब, आप कल को एक बात समझिए, चुनाव जीत रही है यादव साहब, एक चीज का जवाब दीजिएगा। देखिए हम और आप जो है लोकतंत्र का हिस्सा है, अभी तो बहुत लोग इस डिबेट को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप एक चीज समझिए, आप लोग यहाँ आरोप लगाकर भाग जाएंगे। कल को आप चुनाव अगर जीत गए, जो कि आप दावा कर रहे हैं, आप माफी मांगेंगे कि हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाया, कुछ भी गलत नहीं था, बोलना चाहूंगा, माफी मांगेंगे आप कल को अगर आप जीत गए? अरे आप एक बात सुनिए, नहीं नहीं मैं बता दे, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। बहुत आसान होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठा देना यादव साहब, बहुत आसान। जवाब तो सुन लिया अब भैया, जवाब तो हम ही देंगे ना, या आप ही मेरे हिस्से का जवाब दे सकते हैं तो आप ही दे लीजिए, मैं बताता हूँ। नहीं बताइए बताइए सर, बताइए एक बात बताइए मुझे कि हम, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर गोरखपुर की भी बात करें या फूलपुर की बात करें, कई जगह मशीनें खराब निकली है। हमारा कहना यह है कि जब मशीनों में दिक्कतें आ रही हैं तो क्यों ना बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। अब इसमें यह कह देना कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है और हम उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं, यही ये राजस्थान मध्य प्रदेश में याद नहीं आता क्या? हम साफ साफ बात, आप उपचुनाव में जब उपचुनाव में जीतते हैं तब आपको बैलेट पेपर की याद नहीं आती, ये हिपोक्रेसी है यादव साहब, ये हिपोक्रेसी है। देवाशीष देवाशीष ठीक है सर, बजे तक वोटिंग बंद रही है। सुनील यादव साहब एक मिनट सर, ठीक है आपने अपनी बात रखी, देवाशीष ये हिपोक्रेसी है। आप जीतते हैं तो ईवीएम की आप आरती उतारेंगे, आप हारेंगे तो बैलेट पेपर चाहिए आप लोगों को। देखिए हम आप चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, जब विश्वास नहीं आप लोगों को, हम चाहे जीते हम चाहे चुनाव हारे, लेकिन ईवीएम को लेकर हमारे मत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस दिन से हम लोगों ने आवाज उठाई तो है, और मैं पहली बार चुनाव ईवीएम से हो रहा है ना, नहीं ईवीएम से हो रहा है तो लड़ रहे आप लोग चुनाव, मतलब ये आपको विश्वास नहीं है लोकतंत्र पर? तो देखिए अगर हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर देते हैं तो इसके लोकतंत्र पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो वही कर रहे हैं आप, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल, लोकतंत्र ईवीएम लोकतंत्र देख रहे हैं, उनको क्या लगेगा चुनाव चुनाव का लोकतंत्र है, गंभीर चुनाव होना लोकतंत्र नहीं है, चुनाव की अलग अलग प्रक्रिया है। आप बताइए चुनाव आयोग करा ईवीएम से होना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव करा रही है क्या? ये तो आप देख लीजिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देख लीजिए, आप आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में क्या क्या ईवीएम से किसी को वोट ट्रांसफर हुआ है? आयोग भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में क्या दिखाया गया कि ईवीएम से चुनाव डाला किसी को जा रहा है? जी साहब मेरा सीधा सवाल, चुनाव आयोग बीजेपी के गठबंधन में है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब आप संवैधानिक व्यवस्था पर क्यों नहीं हो सकता, क्या बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? ठीक है ये यही शर्मनाक राजनीति है सर देवाशीष, ये सीधी सी बात है। आप लोग मैंने चुनाव हारेंगे, चुनाव हारेंगे तो संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े कर लेंगे, अमन सिन्हा जी ने बोला आप तो ईवीएम की बल्ले बल्ले, इलेक्शन कमीशन हारेंगे तो बैलेट पेपर। आप बताइए गुजरात के जब चुनाव का डिक्लेयर हुआ, आप गुजरात में, मैं राजस्थान की बात करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, उपचुनाव में जीते निकल के चुनाव घोषित कर दिया है विपक्ष, बीजेपी हारी ना किसी वजह से गुजरात की। आप बताइए अगर राजस्थान मध्य प्रदेश में, राजस्थान मध्य प्रदेश में, राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी क्या चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया बीजेपी? तो बाई इलेक्शन में हरा देते हैं ना, ये भी तो बाई इलेक्शन है, ये क्या राज्य का चुनाव हो रहा है? ये भी तो बाई इलेक्शन है। तो मैं तो कभी तब भी क्रेडिट नहीं ले रहा ईवीएम का, मैं तो तब भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ ईवीएम का। तो फिर पंजाब क्या, पंजाब बाई इलेक्शन था, पंजाब बाई इलेक्शन था, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ पंजाब बाई इलेक्शन था देवाशीष, आप खुद पसंद अपनी बात, आप बताइए पंजाब बाई इलेक्शन था, राज्यों में पांचों पंजाब बाई इलेक्शन था, चोर भी चोरी ऐसे जवाब दीजिए ना, पंजाब बाई इलेक्शन था, चोर भी चोरी ऐसे करता है पकड़ा ना जाए, चुनाव आयोग चोरी में शामिल है बिल्कुल देवाशीष, क्या आप जिस अमन सिन्हा बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता? अमन सिन्हा चुनाव आयोग आपके साथ मिला हुआ है, सर एक मैं जवाब देने दीजिए, भाजपा ने संविधान संस्थाओं की हालत करके रखी है। यहाँ पे जो हमारे मित्र जो बसपा और सपा से बैठ के मुंह जवानी खर्चा कर रहे हैं, इनका जरा हिपोक्रेसी जो दोगलापन है वो देखिए। जब इलेक्शन कमीशन पब्लिक नोटिस इशू करता है तो कोई कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज करता है, कोई डिमोन्स्ट्रेट करने नहीं जाता है कि कहां पे क्या इनफॉर्मिटी या खराब है, और यहां पे बैठ के जो है जी न्यूज के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके आप मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? आप विदेश घूमने गए हुए थे जब इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी किया था कि आप आइए सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी और आप दिखाइए अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, ऑर्डर में बटन दबा लीजिए, लोगों ने पूरी तरह अपना जनाधार खो दिया है। साफ साफ बोला कि हमें डिस्कनेक्ट है अमन जी, एक मिनट के लिए देखिए जनता हंसती है ऐसे लोगों पे, हम हैक करके दिखा देंगे, जनता इन लोगों का मखौल बना रही है, हंस रही है,
कि जो लोग राजनीति इनकी इसी बात पे खाली झूठ और मिथ्या आधार पे जो है इनकी राजनीति चल रही है वो लोग को क्यों जनता सपोर्ट करेगी, इसलिए जनता इनसे और करती जा रही है और जब तक ये लोग पॉलिटिकल रियलिटी को जनता इनसे जुड़े हुए हमें क्या दिक्कत है। आप बोलिए जनता को आप क्या कर रही है। और अमन जी जब ये स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम क्या कोई रिपोर्ट आई है कि आप लोग हार रहे हैं कहीं पे, वरना ये बहाने इतनी प्रमुखता से नहीं रखे जाते तो नतीजे नहीं आए। देवाशीष आप कैसे डंके की चोट पर कह सकते हैं गड़बड़ी है, के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। कोई रिपोर्ट आई है हार रहे हैं आपने मुद्दा हार रहे हैं रिपोर्ट आई है आपने मुद्दा उठाया पता लग जाता है आप लोगों को, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए दोनों सीटें मैंने नहीं उठाया मुद्दा, सारे नेताओं ने उठाया, दोनों सीटें जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, मैंने नहीं उठाया। आज का नहीं है ईवीएम का मुद्दा, पुराना है, पहले का है और उसको हम उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे जब तक सॉल्यूशन नहीं आ जाता। मृत्युंजय जी बीजेपी की हार मृत्युंजय तिवारी जी जोड़ रहे हैं भाई सबसे पहले नहीं सबसे पहले यहाँ पे तीन लोगों के तो कैंडिडेट ही नहीं है पार्टी के। अमन सिन्हा जी को कहिए जीत रहे हैं कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है पहले वो शब्द वापस ले। ऐसी भाषा टीवी के इस डिबेट शो में नहीं हो सकता है ना। इनके ऐसे क्या चीज क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं आप। आपने क्या कहा, क्या कहा, आपने दोगला तार तार कर रहे हैं। हाँ हिपोक्रेसी है, ये गाली तो नहीं आए क्या। मृत्युंजय तिवारी जी हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, बताइए है। आप लोग जब चुनाव जीतते हैं, चलिए सुनिए ना, दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग जब चुनाव जीतते हैं तब आप ईवीएम बल्ले बल्ले तब भी हार जाते हैं तो बैलेट पेपर, चलिए दावे के साथ सुनिए ना। आप सुनिए, 2014 से पहले, एक मिनट देवाशीष सुनिए, सवाल उठाना। 2014 से पहले सारी पार्टियां यूपीए के साथ थी, किसी एक पार्टी ने सवाल उठाया ईवीएम पर, किसी ने सवाल नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी थी, किसी ने सवाल नहीं उठाया। जीवीएल राव जी ने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी। अरे आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी थी, बीजेपी के ही नेता मृत्युंजय तिवारी साहब, एक मिनट, केस दर्ज किया, एक मिनट मृत्युंजय तिवारी ऑन द स्क्रीन, एक मिनट देवाशीष, एक मिनट मृत्युंजय तिवारी ने सवाल उठाया ना, मृत्युंजय तिवारी ऑन द स्क्रीन। मृत्युंजय तिवारी साहब, 2014 से पहले आप लोग सभी गठबंधन में थे ना, कभी ईवीएम का रोना रोया आप लोगों ने? जीतते जा रहे थे सब बढ़िया था, हारते ही ईवीएम जिम्मेदार हो गया। ये हिपोक्रेसी है आप लोगों की। ये सारे सवालों का हम जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के मित्र गाली देने के लिए, अगर आप गाली उनसे सुनवाने के लिए हम लोगों को बुलाए हैं तो मैं इस डिबेट से जा रहा हूं। इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, किसको पहले उनको बोलिए, आपकी भाषा होगी, किसने गाली गलौज कर दी मृत्युंजय तिवारी साहब, कान बजने लगता है। ये गाली गलौज इन्होंने वही आपको, किसने गाली दे दी आपको बताइए तो सही। संस्कार है, किसने गाली दी मृत्युंजय तिवारी साहब, एक मिनट, उनकी आपत्ति है मेरे ख्याल से, एक मिनट ले लेते हैं आपत्ति, आपकी आपत्ति, गाली किसने दी आपको ये बताइए ना। मेरी डिबेट में अब तक किसी ने गाली नहीं दी आपको। बीजेपी के प्रवक्ता क्या बोला उन्होंने, दोगलापन हिपोक्रेसी है। आपकी दो तरह की जो है एक्शन सामने आ रहे हैं, यहाँ बैठ के आप भाषण दे रहे हैं और जब इलेक्शन कमीशन पब्लिक भाषण कर रहा है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर रहे हैं, ये दोगलापन नहीं है तिवारी साहब, हिपोक्रेसी गाली नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं ये दोगलापन है, ये चरित्र होता है, ये दोहरा चरित्र इसको कहते हैं आपकी भाषा में, दो तरह का चरित्र। शालीन शब्दों में आपको समझाऊं, हिपोक्रेसी मतलब होता है दोगलापन, मतलब दो तरह का चरित्र, कि आप एक स्थिति में दूसरी तरह से रिएक्ट करते हैं, एक स्थिति में गाली नहीं है। मृत्युंजय साहब छोड़िए, आप जवाब दीजिए, 2014 से पहले ईवीएम का रोना रोया कभी आप लोगों ने? देखिए दोगलापन का मतलब है दो गले से बोलना, ठीक है, दोहरापन। चलिए वो समझ गए, समझ गए, ये दोहरापन है, ये दोगलापन मतलब दो गले से बोलना। वो उनको गलत फहमी हुई। आप हिंदी मत समझाइए, चलिए बहस मत डिरेल करिए, छोड़िए ना। मृत्युंजय तिवारी साहब सीधा सवाल, 2014 से पहले आप लोग सरकार में थे, कभी आपने ईवीएम का रोना रोया? देखिए अभी जिस तरह से आप इस मुद्दे को घुमा करके सवाल कर रहे हैं भाई, ईवीएम का सवाल अगर विपक्ष ने उठाया किसी मुद्दे, मृत्युंजय साहब हाँ या ना बताइए ना, 2014 से पहले सब बढ़िया था क्या? देखिए अब 2014 से पहले कभी ईवीएम का रोना रोया सर, हाँ या ना बता दीजिए, सीधा सवाल। जो सवाल विपक्ष उठा रही थी, और ऐसे कुकर्म 2014 के पहले नहीं हो रहे थे जो सत्ता के लिए बीजेपी ने, क्या 2014 से पहले किसी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई? अरे आप मुझे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप मुझे ये कह रहे हैं 2014 से पहले ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई, वोट दे रही है, कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं हुई, विश्वास व्यक्त कर रही है, इसको आप कुकर्म करेंगे?
राजनीतिक प्रक्रिया को देश के विश्व के सबसे बड़े ककारा मालूम नहीं है लोगों को जवाब दे दूं जी। देश की प्रजातंत्र ईवीएम में नहीं है आवाज तो ईवीएम को एनफोर्स करने के लिए वीवीपैट लगा दिया गया है। मेरे मित्रों को समझाइए जरा सर जी, मतलब सर जी वीवीपैट का मतलब तभी होगा ना जब गिनती की जाएगी, उसी उसी बटन का रसीद निकलेगा। सर जी वीवीपैट का मतलब तभी है ना जब से गिनती की जाएगी। हम तो बोल रहे हैं 25% सुनिए, 25% रैंडम समस्या वो नहीं है, 25% समस्या आपकी है कि रैंडम बगैर गिनती करा लीजिए और टैली करा लीजिए नंबर, और काउंटिंग में जब गड़बड़ी करते थे तब आप लोग को लगता है कि ईवीएम में तो जीत नहीं रहे। चलो जरा बूथ कैप्चरिंग में सुनिए, देखिए ईवीएम का जो मत है आपका मत ठीक जा रहा है, पूरा फाड़ भरा हुआ है नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निकाल दिया पैट लगाने का, हमारा डिसीजन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ब्लेम करेंगे? हम लोग केवल ये मांग कर रहे हैं जब वीवीपैट को लगा दिया गया है कि 25% कम से कम सीटों पर आप एक काम करिए उनकी गिनती करा लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की बात करी फिर सुप्रीम कोर्ट है ना, नियत का है, आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। आप जिस चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है उसमें आपका विश्वास नहीं है, क्या हिस्सा है आप लोग? हम प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। उस देश की चुनावी चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल है, आप चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर देते हैं। मतलब आप लोग चुनाव का विश्वास नहीं है, छुपा है क्या वो न्यायपालिका की क्या हालत? सुप्रीम कोर्ट जाइए, जब न्यायपालिका ने बोला वीवीपैट बोला वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी न्यायपालिका में इंटरफेरेंस कर रही है इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सारी वो भी संवैधानिक संस्था है, सारी आरबीआई भी संवैधानिक संस्था थी, उसकी क्या दिक्कत नहीं है? इन चार सालों में संवैधानिक न्यायपालिका में क्या हालत हुई है संस्थाओं में? देवशीष सर चार सालों में संवैधानिक संस्था में क्या हालत हुई है? आपने कहा हार का डर है, ये अपने मुंह को सुप्रीम कोर्ट के मुंह में रख के और बात कर रहे हैं। कौन न्यायपालिका कह रही है कि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस? ठीक है, कौन न्यायपालिका कह रही है? अनिल यादव बोल रहे अनिल यादव बोल रहे एक मिनट देवशीष एक मिनट सभी न्यायपालिका में कहा ठीक है देवशीष एक मिनट अनिल यादव कुछ बोलना चाह रहे अनिल यादव आपको किसने कहा है बताइए एक मिनट अनिल यादव कुछ बोलना चाह रहे अरे सर अभी जस्टिस साहब सुन लीजिए जस्टिस साहब का बयान आया कहा न्यायपालिका गवर्नमेंट बोल रही है देवशीष हम लोग जो अरे सुन तो लो भाई हार का डर होता है इसलिए अरे भाई सुन लीजिए अमन सिन्हा जी आप तो पढ़े लिखे आदमी सुन लीजिए यादव साहब सुन लीजिए भाई देखिए मुझे मैं सिर्फ ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर आपत्ति क्या है। जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई मशीनें खराब हो रही हैं चुनाव में, आज दो घंटे वोटिंग रुकी रही है कई बूथों पर, घंटों वोटिंग रुकी रही है। मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं, अगर हम उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग हमें ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि हम किसी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं? हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि कोई भी चीज गलत होगा तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसको जनता को बताएं। ठीक है, अगर हम उसे बताते हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? ठीक है, और जहां तक चुनाव के हार और जीत की बात है तो फूलपुर में तो भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट ही नहीं मिला सपा के सामने, उन्हें बनारस से लाना पड़ा अपना कैंडिडेट। अनिल यादव साहब आपने अपना सवाल पूछा कि भाई चुनाव आयोग अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी है ईवीएम में तो उसको बदल दीजिए, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर दीजिए। अमन सिन्हा साहब जवाब देना चाहेंगे, कुछ गड़बड़ियां हैं अगर सवाल उठ रहे हैं तो उनका निवारण होना चाहिए। अमन सिन्हा ये सवाल है अनिल यादव साहब का। और अमन जी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये इनफैक्ट ईवीएम इज इन एडिशन टू बैलेट पेपर्स, वीवीपैट में हर एक वोट का रिकॉर्ड रहता है और कोई चाहे तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर से उसके बाद ले भी सकता है। तो ये सब गलत मिथ्या प्रचार है, ये सारा का सारा जो ड्रामा और ढकोसला जो है ये इसलिए रचा जा रहा है, ये पार्टी पहले से हारने का और ये हर बार का इनका रोना है। जब भी यहाँ पे चुनाव हारते हैं पहले से ही कहने लगते हैं ये साहब हम तो ईवीएम की वजह से ईवीएम से इतने चुनाव हुए उसमें कई में भारतीय जनता पार्टी से कभी कभी हारी, पार्टी को अगर मैंने वोट दिया पर्ची निकल रही है किसी पार्टी को ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी थी, पता चलेगा कि आपने ही वोट डाला है वो ये आपकी हिपोक्रेसी है और ये देश के सामने यही है ना कि आप जिसको वोट देंगे पर्ची निकल लेगी उस पार्टी का नाम मान लीजिए मुझे पर्ची में किसी और का वोट दिखा मैं कैसे टैली कराऊंगा उसको? बसपा हो सपा हो वही तो कह रहा हूं वीवीपैट में दूसरी पार्टी का नाम आएगा क्या? अगर मैंने मान लीजिए मैंने हाथी को बटन दबाया कमल का निशान निकल से आया मैंने बाद में शिकायत दर्ज कराई तो जस्टिफाई कैसे कराया जाए? सीपी सिंह साहब ईवीएम में वीवीपैट में क्या दिक्कत?
देखिए मुझे चूंकि एक तकनीकी मामला है, लेकिन मैं आमतौर पर यह कहना चाहता हूं कि चुनाव एक्चुअली घुमा फिरा करके ईवीएम के बहाने चुनाव आयोग पे सवाल उठाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है। इतना ही नहीं, ये चुनाव आयोग से भी एक कदम आगे की बात है। एक तरीके से जनता को कहा जा रहा है कि देखिए या तो आप हमें वोट दीजिए, नहीं तो हम हर चीज को गलत करार करके रख देंगे और सबको हम अविश्वसनीय बना देंगे। सर मैं तो एक तरीके से एक मिनट मुझे एक बात कहने दीजिए। यहाँ असली बात क्या है कि जनता या विपक्ष बनाम जनता की लड़ाई चल रही है। ये बहुत ही विपक्ष दिलचस्प बात है कि जनता खड़ी है पक्ष के साथ और विपक्ष जनता के खिलाफ खड़ा हो गया। जाके तो आपको जनता के साथ खड़ा होना होगा। सुनील यादव साहब ठीक है, के खिलाफ कैसे हो गया? ठीक है, हम ईवीएम के खिलाफ है, आपने हमें जनता के खिलाफ। कमाल हो गया, कमाल। सुनील यादव साहब इस देश में ईवीएम के खिलाफ होना मतलब जनता के खिलाफ होना। सुनील यादव साहब रिपोर्ट है क्या हार रहे हैं? वरना हार के बहाने इतनी प्रमुखता से 14 तारीख के बाद होती है लड़ाई जो आज हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आप लोग 14 तारीख के बाद शुरू करते हैं ईवीएम। नहीं, हम तो आज तो एग्जाम हुआ है, आज तो रिजल्ट आपको पहले या तो पता लग गया कि हार रहे हैं। आज वोटिंग में दिक्कत हुई है इसलिए हम कह रहे हैं। अगर देखिए सुनिए, कुछ अगर हमें हार का डर होता या हार की बात होती तो हम 14 के बाद ये कहना शुरू करते, लेकिन आज वोटिंग में दिक्कत हुई है तभी तो हम जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से ये बात लाना चाह रहे हैं और दोषी ठहरा रहे हैं। तो मतलब भाजपा के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो आप उसी को दोषी ठहराएंगे। भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग के खिलाफ खड़े हो ना आप लोग? एक भी बात नहीं की बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव आयोग के लिए, इसलिए दिक्कत है। आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। देखिए दिक्कत यह कि आप लोग जीते हारे चुनाव में हार जीत लगी रहती है। सुनील यादव साहब आप ये अनिल यादव साहब आप ये चीज समझिए, जो लोग देख रहे हैं आप लोग पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। जीत हार लगी रहती है चुनाव में। नहीं नहीं वो ये देख रहे हैं कि ये सच बात कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी क्या कर रहे थे जब इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिस इश्यू किया कि आइए और बताइए अगर कोई खामी गड़बड़ी है तो? ठीक है, वो आप उस समय हाथ में हाथ रख के बैठे सर जी, वो झूठी, वो सब झूठी खबर है आपके पास। वो चुनाव आयोग की तरफ से बुलाया गया झूठी खबर। देखिए मैं बताता हूँ, चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया था कि टेंपरिंग करके दिखाइए। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया, टेंपरिंग करके दिखाइए नहीं बोला गया। आपके पास अलग जानकारी है, ईवीएम चैलेंज दिया गया, उस चैलेंज में केवल 200 आप इस तरह की भाषा का प्रयोग, मोबाइल डिवाइस लेके आई है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। देख लीजिए आप कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसी छात्रों ने लगाई कि बटन दबा के देख लीजिए, झूठी खबर है। वो भी आप नहीं दबा सकते, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप बोलोग इस बटन को दबा के देखो, बटन दबा के दे दिया। ये ईवीएम चैलेंज के नाम पर मजाक हुआ था। ठीक है देवेशीष, ठीक है। मृत्युंजय तिवारी साहब एक मिनट, मृत्युंजय तिवारी साहब आज मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान सुन रहा था जो शायद कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि पुनर्मतदान की मांग वो लोग करते हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि अगर आप लोग जीत गए तो भी पुनर्मतदान की मांग करेंगे क्या? बबुआ जहानाबाद में वो कह रहे थे कि पुनर्मतदान होना चाहिए, जीत गए तो भी पुनर्मतदान होना चाहिए। मतलब वो तो वहाँ प्रशासन तय करेगा कि किस पुनर्मतदान कहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नहीं, क्या नहीं, आप कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है इसलिए पुनर्मतदान होना विपक्ष चाहिए। का मैंने आपसे पूछा आप तो, सर आप अगर तो जीत गए तो पुनर्मतदान करा ले, फिर हम फिर चुनाव आयोग करा ले पुनर्मतदान। उस इस देखिए ईवीएम के सवाल को आप इस तरह से पेश कर रहे हैं कि विपक्ष कोई भी चीज को लेकर के सवाल ही नहीं खड़े करे। अरे भाई अगर सवाल खड़े हुए हैं, कहीं शक जाहिर हुआ है तो उस पर अगर पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाती है जनता के सामने तो इसमें क्या परेशानी है? नहीं ये दिक्कत इसलिए परेशानी क्या है मैं बता देता हूँ ना, जिस तरह से बीजेपी ने दिक्कत ये है कि जब जीतते हैं तब ईवीएम आप ईवीएम पर कोई एक सन्नाटा होता है, चुप्पी होती है। मेरा सुन पूरा विपक्ष नहीं सर, मृत्युंजय तिवारी साहब आप मेरे से सवाल पूछ रहे ना, मेरा सुन तो लीजिए, सब चुप हो जाते हैं, पूरा सन्नाटा होता है। जीतते ही पूछते हैं, कोई याद किसी को याद नहीं आती ईवीएम की, कोई ईवीएम का रोना नहीं होता। हारते ही आप लोग ईवीएम चीखने लग जाते हैं। ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते बीजेपी वालों से कि बिहार में रातोंरात सत्ता किस तरह से आपने हासिल किया? ये सवाल नहीं कर रहे, तो सवाल कर रहे बीजेपी जिस तरह से सत्ता की भूखी है और जिस तरह से विपक्ष की आवाज को ये दबाना चाहती है और जिस तरह से सत्ता के लिए ये जिस निचले स्तर पर जा रही है, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और देश की राजनीति, देश का लोकतंत्र आज जिस चौराहे पर खड़ा है इन लोगों के कारण, इस पर अगर कहीं शक हुआ है उसका जवाब मृत्युंजय तिवारी साहब देखिए, ये आप जवाब बीजेपी पर हमला करिए जितना और जवाबदेही से ये नहीं
चुनाव में जीतिए हारिए सब प्रक्रिया का हिस्सा है, आप चुनाव आयोग पर नहीं सवाल खड़े कर देंगे ना? जीतेंगे अजय आलोक साहब, डॉक्टर अजय आलोक कुछ भी कर ले जीतेंगे, जनता की जीत होगी। डॉक्टर अजय आलोक, ईवीएम का बहाना है गठबंधन की इज्जत बचाना है क्या? अरे ईवीएम गठबंधन की इज्जत कहां है जो गठबंधन की इज्जत बचाएंगे? सारे भ्रष्टाचारी दागी मिलकर गठबंधन बना लिया और आप कहते हैं गठबंधन की इज्जत? इज्जत है ही नहीं गठबंधन की। यहां सपा राजद कांग्रेस सारे के सारे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जनता के बीच में जा रहे, कह रहे हैं कि मैंने 3,000 करोड़ बनाए, मैंने 5,000 करोड़ बनाए, मैंने 7,000 करोड़ बनाए और मैंने इतनी संपत्तियां बनाई। इज्जत है ऐसी कोई गठबंधन की? अरे वो तो पता चल जाएगा सर जी, दूसरी बात ज्यादा दिन नहीं है, ईवीएम बदल दो, आज कहते हैं ईवीएम बदल दो, कल वो कहेंगे हाथ उठा के वोट करो, कल कहेंगे हाथ उठा के वोट करो, जो धोखा दिए हैं ना हाथ उठा के वोट करो, मेरी बात मान लेंगे क्या? हम तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अरे ये लोग निर्लज हैं, निर्लज है, हार रहे हैं, हारने का बहाना ईवीएम, हार रहे हैं और हारने का बहाना ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। अरे जनादेश का सम्मान करना सीखिए, जब जीतते हैं तब तो जनादेश हो जाता है और हारते हैं तो ईवीएम हो जाता है। अरे सर ईवीएम जनादेश का तो ईवीएम हो जाता है, जीतते हैं तो जनादेश हो जाता है। देखिए सवाल ईवीएम पे है, जनता पे नहीं है। लगता है मान लिया बैठ के देश में कोई चुनाव नहीं, ईवीएम बदल दो। लगता है मान लिया है बैठ के कि अब देश में कोई चुनाव जीतने नहीं जा रहे, इसलिए ईवीएम को बहाना बना दो। लोग बैठे हुए हैं सत्ता में जिन्होंने आप लोग के अपने वोटर्स आपको छोड़ के जा रहे हैं, चिंता कीजिए वजूद खत्म हो जाएगा आप लोग का। जनमत घोटाला किया हो और आप लोग हरकतों से, लोकतंत्र में कोई घोटाला नहीं हो सकता। देखिए जनमत घोटाला हमको बोल रहा है, घोटाले के आरोप में जेल बैठे हुए, बिहार में किया जनमत घोटाला हमें बोल रहे हैं, घोटाले के आरोप में जेल में बैठे हुए हैं। नीरव मोदी को खोजिए कहाँ है, और जेल से पार्टी चल रही है, खोजिए पार्टी जेल से चल रही है, खोजिए और देखिए कितनी बड़ी इज्जत है। पैसा लेकर के भाग गया वो तो नहीं, पार्टी का संचालन जेल से और बात इज्जत की कर रहे हैं। हाँ नीरव मोदी साहब, मृत्युंजय तिवारी साहब, ठीक है मृत्युंजय तिवारी साहब, नीरव मोदी वो जनता तय करेगी, ये ठीक है आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, वो जनता जनता की अदालत में तय होगा। लेकिन अनिल यादव साहब एक मिनट, ठीक है सर, अनिल यादव साहब एक मिनट, एक सीधा सवाल आपसे, अनिल यादव साहब एक मिनट, सीधा सवाल आपसे, अगर क्या ये चुनाव आपके गठबंधन पर रेफरेंडम मानेंगे आप? सीधा सवाल आपसे, एसपी बीएसपी के गठबंधन पर रेफरेंडम मानेंगे? अब मैं जवाब देता हूँ, जवाब दे देता हूँ जी, बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिए। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये कोई गठबंधन नहीं है, खुद बसपा सुप्रीमो ने ये बात कही कि जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हराएगी हम उसका समर्थन करेंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हम पहले भी हरा रहे उनका थे, बयान ठीक से सुना नहीं, फिर बसपा की वजह से, और उन्होंने कहा एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, सुना मैं उन्होंने बिल्कुल एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये कहा था उन्होंने। आपके चैनल नहीं दिखाया होगा, मुझे दिखा दीजिए। जी जी मैं बता रहा हूँ आपको, दिखा दीजिए ना, उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में वो हमारी मदद करेंगे, हम विधान परिषद में और हम यहाँ उनकी मदद करेंगे, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ये इसलिए मैं गठबंधन कह रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब सच आपने सुना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा था एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, ठीक है अनिल यादव साहब, ये बताइए ना ये अंडरस्टैंडिंग आपके शब्दों में, क्या इस अंडरस्टैंडिंग पर रेफरेंडम होगा ये चुनाव के नतीजे? सीधा सवाल, मानेंगे रेफरेंडम है? देखिए मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, देखिए हर चुनाव का अपना अपना महत्व होता है, और अगर जहां तक इस उपचुनाव की बात है तो निश्चित तौर पर 2019 के लिए कुछ ना कुछ संदेश जरूर जाएगा। क्या गठबंधन के लिए रेफरेंडम होगा? जीत गई तो नहीं संदेश जाएगा, और सपा जीत गई तो जीत जाएगा। क्या रेफरेंडम होगा आपके गठबंधन के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, एसपी बीएसपी के लिए? अरे इतना मुश्किल सवाल नहीं है सर, हाँ या ना कर दीजिए। आपको सीधी सीधी बात बता रहे, अरे मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनने का थोड़ा सा समय चाहिए भाई। ये जो समर्थन दिया है वो इसीलिए तो दिया है, उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार है ये लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, सहारनपुर में, सबीरपुर में उनकी बस्ती जला दी, दलितों की लड़कियां मारी जा रही हैं, उन्नाव में लड़की को जिंदा जला दिया, इटावा में लड़की को डुबो कर मार दिया, दलित लड़की की बात इतना मुश्किल सवाल में भाजपा नेता, इतना मुश्किल सवाल नहीं था, दलित ये जनादेश आप लोगों ने तो जान से मारने की जान से मारने की बात करता हूँ, आरजेडी जान बचाने के लिए गठबंधन जेडीयू को, देखिए रेफरेंडम होगा गठबंधन में, चुनाव अगर हारे, सुनिए ना सवाल, चुनाव अगर हारे तो ये अंडरस्टैंडिंग होगी आगे भी, क्या रेफरेंडम मानेंगे कि जनता ने नकार दिया गठबंधन को, जीत गए तो एक्सेप्ट कर लिया, रेफरेंडम मानेंगे आप 14 तारीख को? देखिए चुनाव लड़ने के अलग अलग प्रक्रिया, यही तो बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है,
और इसलिए हमारी सुप्रीमो ने समर्थन इस बात पे दिया था कि जो भी मजबूत कैंडिडेट होगा उसको बसपा का वोट ट्रांसफर करे ताकि वो जीत जाए। ना हम लोग चुनाव लड़े हैं और राज्यसभा के लिए विधान परिषद के लिए, वो साफ साफ है। तो यही तो है, ये अंडरस्टैंडिंग आगे होगी, साफ साफ ही बात है। अगर चुनाव में हारे तो ये गठबंधन अघोषित गठबंधन होगा या नहीं? समय वो आने वाला, बीएसपी वो आने होंगे साथ, वो आने वाला समय बता दे, क्या हारे तो होंगे साथ, आने वाला समय बता दे। इतना मुश्किल सवाल नहीं, हारे ना करिए ना, साफ साफ बोलो, आने वाला समय बताइए ना, आने वाला समय बताइए, आप बताइए ना। गेस्ट हाउस कांड भूल गए आप लोग, सारी चीजें। अगर अगर आप लोग हार गए, सीधा सवाल, अगर आप लोग हार गए तो क्या गठबंधन को नकार दिया यूपी की जनता ने? मानेंगे आप लोग? हुआ ही कहा है अभी तो ये गठबंधन हुआ ही कहा है? समर्थन दिया है, इतने ना समझ आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। अमन सिन्हा का छोटा सा ट्रेलर है ये, ठीक है? अमन सिन्हा, प्रतिष्ठा आपकी भी दांव पर है, योगी आदित्यनाथ की और केशव प्रसाद मौर्य की भी प्रतिष्ठा, थोड़ी बहुत घबराहट वहां भी होगी क्योंकि कास्ट इक्वेशंस इनके फेवर में है, एम वाई फैक्टर, दलित, तमाम चीजें। नहीं देखिए, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है, और हमारे प्रतिद्वंदी अगर साथ में जुटते जाएं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो खुद जो है उससे जो हमारे जो वोटर्स हैं वो और कंसोलिडेट होते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो काम हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में और फूलपुर में, तो वहां पे हमारे प्रत्याशियों की बहुत स्पष्ट रूप से विजय होगी, चाहे कांग्रेस बसपा और सपा कितना भी हाथ मिलाते रहे। और मैं दूसरी चीज ये कह दूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अमन जी कि ये क्या था, हमारे मित्र ने बताया गठबंधन नहीं था, तो ये तो बस एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस था ताकि वहां के नेता आपस में बंदर बाट कर सके, और ये इसी तरह के जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है आप आगे भी देखते रहेंगे। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको बस एक ही चीज से सरोकार है कि गेन के इन प्रकार किसी तरह सत्ता में आ जाए, और जनता इनको बारंबार रिजेक्ट करते जा रही है और इस बार भी करेगी। बोले दीजिए ना, पूरा मौका आपको दिया मैंने, गिन रहा हूँ, एक अनिल यादव। अरे ऐसा है, आप वोट गिनिएगा, अभी चुनाव, अभी वोटिंग खत्म हो गई है और परिणाम आने वाला है, भाषण तो आप दे रहे हैं, वोटिंग हो चुकी है अनिल यादव साहब, कहां का प्रचार वाले, पांच काम गिनवा दीजिए, नंबर ये गिनवाने तो हो गया ना, वो तो वोटिंग हो गई, अब पांच बज रहे हैं, खत्म हो गई वोटिंग, छोड़िए ना अनिल यादव साहब, आप लोगों ने सपा के लिए सिद्धांतों से समझौता किया, अभी जो, अभी अगर यहाँ पर भी आप हार गए तो माया मिली ना राम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी आप लोगों के लिए? आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार ने जो काम किया है सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता किया, यहाँ भी हार गए तो कहीं के नहीं रहेंगे, फिर कैसे लड़ेंगे मोदी से? आपका जो एक अंधेरे का शासन काल, कलंकित शासन काल, ठीक है, सपा और बसपा का, उससे उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है, तो सीपी सिंह साहब, आप थोड़ा सा, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में ये एक दुर्लभ घटना है, जब एसपी बीएसपी अपनी दुश्मनी भुलाकर साथ आए, ये कहा गया कि सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता किया क्या? अब अगर उसके बावजूद ये चुनाव हारते हैं गठबंधन, तो ये सत्ता भी गई और सिद्धांत भी गए। देखिए, पहली बात तो है कि सिद्धांत यहाँ कुछ है नहीं, एकमात्र उद्देश्य है कि हमें ये सीट जीतनी है या किसी को हमें हराना है, तो यहाँ पे सिद्धांत कुछ है ही नहीं। सिद्धांत तो तब होती है जब आपका जनाधार होता है, उस जनाधार के हित के लिए आप कोई मुद्दा उठाते हैं, हार या जीत से तो माना जाएगा ना, भारतीय जनता पार्टी को हमारे ये हमारी जनता के लिए सबसे बड़ा लेकिन चुनाव नतीजे ये तो बताएंगे कि इस गठबंधन को स्वीकार किया या नकारा। बिल्कुल, यहाँ पे 2019 के लिहाज से, बिल्कुल यहाँ पे अगर सपा और बसपा का गठबंधन हारता है, ठीक है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सपा और बसपा के जो अब तक पारंपरिक रूप से जनाधार में लोग वो ट्रांसफर नहीं हुआ, वो लोग ट्रांसफर नहीं हुए, बल्कि उन लोगों ने अपने मन को ट्रांसफर किया है, ठीक है, उन्होंने अपनी आकांक्षाएं बदली है, ठीक है, और जहां उन्हें अच्छा दिख रहा है वहां वो जा रहे हैं, वो किसी के मानसिक गुलाम नहीं। मेरे ख्याल से इस गठबंधन का फिजिबिलिटी टेस्ट और एसिड टेस्ट भी इसको कहा जा रहा है कि इन दो सीटों पर फूलपुर और गोरखपुर। मृत्युंजय तिवारी साहब, कांग्रेस के साथ हैं आप लोग, आरजेडी, कांग्रेस के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, यूपी में समाजवादी पार्टी को हरा दिया, अखिलेश यादव को दो लड़के हार गए, अब आपकी बारी है। देखिए, सवाल यह है कि जब हम लोगों का गठबंधन बढ़ता है या हम लोग एक दूसरे, जैसे मायावती जी और अखिलेश जी मिले और यहां हम लोग मिले, तो आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी के सबसे पुराने शिवसेना उनसे अलग होके जा रहे हैं, जीतन राम मांझी जी दल बिहार में अलग होके चले गए, इनसे लोग टूट रहे हैं, तो इनका जो सिद्धांत और नैतिकता, अनैतिकता की बात, इन पर सवाल खड़े नहीं होते बीजेपी पर,
टीडीपी से उन्होंने जम्मू कश्मीर में किसके साथ समझौता किया इन्होंने, ये जो चाहे सिद्धांत और नैतिकता को बेच करके राजनीति करे सत्ता के लिए। जब हम लोग अर्थ करते हैं एकजुट हो रहा है, सवाल उठाते हैं एनडीए का कुंडा बिखर रहा है, टीडीपी शिवसेना और तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है एनडीए मुझे वाइंड अप करना, 2019 तक एनडीए का अता पता नहीं रहेगा। ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए आपके पूरे डिबेट का जो मुद्दा है और उसका लब्बो लुआब है वो मेरे नजर से बड़े एक छोटे से मुहावरा में आ जाएगा और वो 14 तारीख को पता चल जाएगा। वो मुहावरा है नहीं न बत्ती, एक मिनट मैं बोल दूं नहीं न बत्ती तेल लेने जाएंगे माया मुलायम, लालू मुलायम और मायावती, खत्म कहानी। 14 तारीख अभी लोग ईवीएम का गाना गाना शुरू कर दिया है लोगों ने। ठीक है अनिल यादव साहब, एक बात बता दिए क्या होगा से आखिरी कमेंट जल्दी से अगर तो मौका मिले तो क्या होगा ये भी तो बताना चाहिए ना। देवशीष एक उसके बाद रेफरेंडम माना जाएगा नहीं माना जाएगा मोदी जी और योगी लोग मान नहीं रहे रेफरेंडम होगा वो कैसे वही वाली बात है। सवाल भी उठा लीजिए रियलिटी को, जो राजनीतिक वास्तविकता है उसको नहीं एक्नॉलेज कर रहे। भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज जो है आज अपने ऑल टाइम बेस्ट पोजिशन पे इलेक्टोरली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशनली, और ये सारी पार्टी की पार्टियां जो है अपना वजूद खोते जा रही हैं और इसका कारण यही है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रियलिटीज को देश के प्रजातंत्र को मैंडेट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं और इसीलिए जनता इनको बारंबार रिजेक्ट करते जाएगी। ठीक है अमन सिन्हा साहब, ऐसे ये तो 14 तारीख को पता लगेगा ये अगर इसमें जीत किसकी होती है, गठबंधन की होती है या भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि लोकतंत्र में हार जीत लगी रहेगी, कभी कोई जीतेगा कभी कोई जीतेगा, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठा देना कि चुनाव आयोग मिला हुआ है वो कहां तक जायज है, ये मेरे ख्याल से अभी भी सवाल बना हुआ है। छोटा सा लिख लेना, ताल ठोक के देख लेते हैं। चाइना का हो आप नेपाल का हो, इस तरह का पूछते हैं नॉर्थ ईस्ट का लोगों को। मेनस्ट्रीम इंडिया को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, अगर हमको भी उतना इम्पोर्टेंस मिले तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आतंकवादी जो है पॉलिटिकल पार्टी वो लोग नहीं बनाया हुआ है, इसलिए अभी हमारा उम्मीद बहुत है बीजेपी सरकार के ऊपर। मैं त्रिपुरा में उतरा, आपको जान के आश्चर्य होगा 25 वर्षों तक इनकी सरकार, उन्होंने कहा अगरतला में एक भी फ्रूट जूस का दुकान नहीं। मैंने पकोड़े की दुकान थी, सुनिए मैंने देखा पकोड़े की दुकान जरूर होगी।